नमस्कार, मैं हूँ इंदु आहूजा और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल इंदु जी के रेमेडीज़ पे। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप एकदम खुश होंगे और एकदम मज़े में होंगे। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि ऐसा लगा कि हम पूरे एक परिवार हैं, हम सब ने मिल के ये सारे उपाय किए और इतने अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स आ रहे हैं सबके, खेतरी के, हैप्पीनेस बाउल के। आप लोग मेरे साथ वीडियो भी शेयर कर रहे हैं, फ़ोटोग्राफ्स भी शेयर कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। टीम ने वो सारे फ़ोटोग्राफ्स मुझे फॉरवर्ड किए। थैंक यू वेरी मच कि मुझ पर आप लोगों ने इतना भरोसा किया। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप लोगों के काम होते चले जा रहे हैं, मुझे भूले नहीं हैं। जैसे ही आपके काम हो जाते मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं। अगर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बना रहा तो बस इससे बड़ी बात और दुनिया में मेरे लिए क्या हो सकती है। बस इसी प्रकार से अपना प्यार बरकरार बनाए रखना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और मैं उन सभी का भी बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ जो मेरे बिहाफ पे काफ़ी सारे व्यूअर्स को जवाब देते, क्योंकि देखिए इतने सारे कमेंट्स आते कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर एक कमेंट में पढ़ पाऊँ या उनको मैं जवाब दे पाऊँ। तो ऐसे में काफ़ी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो रेगुलरली वॉच करते हैं और दूसरे जो व्यूअर्स हैं उनकी मदद भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो दो नाम मुझे अभी खास तौर पर याद आ रहे हैं, वो हैं मंजुला जी और दूसरे हैं गोहिल जी, जो रेगुलरली एक एक वीडियो मेरा देखते हैं और बराबर से मेरे वीडियो को समझते भी हैं। थैंक यू, थैंक यू आप सभी का। चलिए अब मैं बात करने वाली हूँ अष्टमी और नवमी के बारे में। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन था, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे कि आखिर अष्टमी, नवमी या दशमी ये कब करनी है। देखिए दशमी का तो कन्फर्म है कि वो संडे को ही है, ठीक है, और उसी दिन दशहरा भी है। लेकिन अष्टमी और नवमी में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन था, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में, शॉर्टकट में बता देती हूँ। नॉर्मली क्या होता है, सूर्योदय के हिसाब से कैलकुलेशन होता है और उसके हिसाब से माना जाता है कि अष्टमी कब होगा, नवमी कब होगा। लेकिन फाइनली जो ये साल जो अष्टमी नवमी आ रही है वो आ रही है सैटरडे, यानी कि शनिवार वाले दिन 24 अक्टूबर 2020 को अष्टमी भी होगी और नवमी भी होगी। तो सारा जो भी प्रोसीजर आपको करना है वो उसी दिन करना है, यानी कि आपको कंजकियों को जो खाना खिलाना है वो भी आपको सैटरडे को ही करना है, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, 7 कंजकियों को आपको खाखाना खिलाना है या 9 कंजकियों को खाना खिलाना है। और ऐसे में एक कंजक यानी कि छोटे से बालक का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में आप क्या उनको खिलाएंगे, आपको उनको पूड़ी खिलानी है, काले चने और सीरा आपको बना के खिलाना, और साथ में अगर आप खीर बना दें तो वो तो सबसे ही बेस्ट होगा। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन में आप कर सकते हैं। लेकिन जो NRIs है, अगर उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, वो इस तरह से नहीं कर सकते, तो आप अपनी सहूलत के हिसाब से बना लें और जो भी बच्चों को अच्छा लगता है उनकी जो फेवरेट चीज़ है वो आप उन्हें खिला सकते हैं। डिस्पोजेबल देखिए पैकेट्स आते हैं, उसमें भी आप उनको दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोविड का समय है तो काफ़ी लोग शायद बच्चों को आपके घर में ना भेजें, अगर ऐसे सिचुएशन है तो डिस्पोजेबल आप पैकेट्स उनको दे सकते हैं। गिफ्ट में आप उनको किताबें दे सकते हैं, खिलौने दे सकते हैं, स्टेशनरी आइटम्स दे सकते हैं। देखिए जो भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है ना, ऐसी चीज़ें आप उनको गिफ्ट करें, तो ये चीज़ें अगर आप देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। यही चीज़ आप सुहागिन महिलाओं के साथ भी कर सकते हैं। आप 7 महिलाएं या 9 महिलाओं को भी आप इस तरीके से गिफ्ट दे सकते हैं, जैसे कि आप उनको जो पैर के बिछुए होते हैं वो दे सकते हैं, या आप गले का लॉकेट दे सकते हैं, बिंदी दे सकते हैं, आईलाइनर होगा, नेल पॉलिश हो गई, ज्वेलरी आइटम्स हो गई, जो भी आपको समझ में आए आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप उनको खाना भी खिला सकते हैं। तो ये अगर आप करेंगे और कंजक की कल पूजा भी करेंगे तो वो सबसे बेस्ट होगा। अच्छा, हैप्पीनेस बाउल के बारे में मुझे बताना था, उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे। तो आप उसको सैटरडे को भी कर सकते हैं समापन उसका, या आप संडे को भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन अगर आप संडे को कर रहे हैं तो उसमें शर्त ये है कि आपको सुबह 9 बजे से पहले उसका समापन करना है, ठीक है। आपको पता ही है कि तेज पत्ता को किस तरह से करना है, बाकी सारी चीज़ों को किस तरीके से करना है, वो हैप्पीनेस बाउल के वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो वो आप ज़रूर से कीजिएगा। और जैसे ही इसके बाद आपके लाइफ में चेंजेस आए ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, क्योंकि मुझे 100% श्योरिटी है कि हैप्पीनेस बाउल जिन्होंने भी किया है उनके जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन जो नहीं कर पाए वो बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि आगे और भी नवरात्रे आएंगे, साल में 4 नवरात्रे होते हैं मैंने बताए थे। तो आप ये हमेशा इस उपाय को रिपीट भी कर सकते हैं, या अभी स्किप हो गया तो तब भी आप कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, उसमें एक और सवाल मुझे बार बार आ रहा था कि दिया छोटा नहीं है, वो बड़ा है तो ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। देखिए मेरे पास उस वक्त छोटा था तो मैंने छोटा ले लिया, तो आप छोटा लें या बड़ा लें, लेकिन
जैसे कि मैंने आपको बताया तो ऊपर रखना, बस प्रोसीजर वही होगा, चाहे दिया छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी आप ले सकते हैं। देखिए अष्टमी से रिलेट जो माता करती हैं वो है माँ महागौरी, और नवमी से जो रिलेट करती हैं वो है माँ सिद्धयात्री। तो जो माँ महागौरी हैं वो रिलेट करती है राहु ग्रह से, और माँ सिद्धयात्री जो है वो रिलेट करती है केतु ग्रह से। तो ऐसे में जो मैं आपको उपाय बताऊंगी, ये अगर आप करते हैं तो देखिए काफ़ी सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर आप राहु और केतु से परेशान हैं, यानी कि अगर राहु केतु आपके कुंडली में कमज़ोर है, तो ऐसे में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी इस उपाय को कर सकता है, लेकिन ख़ासतौर पर अगर ये उपाय जिनका ये मैंने बताया कि ग्रह वीक है, अगर वो करेंगे तो वो और अच्छे से काम करेगा। तो देखिए सबसे पहला उपाय जो आपको करना है, आपको क्या करना है, चावल लेना है। कितना भी चावल आप ले सकते हैं, लेकिन वो सारे अखंड चावल होने चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। आपको क्या करना है, एक प्लेट लेनी है, नॉर्मल कोई भी प्लेट आप ले लीजिए, उसमें ये चावल की डेरी आप बना लीजिए। टीला टाइप होता है ना डेरी, थोड़ा माउंटेन छोटा सा, वो आप बना लीजिए। अब उसके ऊपर आपको क्या करना है, 101 रुपये रखने हैं। अगर आप NRI हैं तो आप अपने हिसाब से कितना भी रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, उस चावल की डेरी के आगे प्लेट पर ही आपको क्या करना है, 9 लौंग रखनी है आपको, ठीक है, पूरी फूल वाली लौंग रखनी है, और 9 इलायची, हरी इलायची आपको पूरी रखनी है। वो आप प्लेट के आगे या प्लेट के ऊपर ही आप रख देंगे। अब वो प्लेट के बाहर आप एक दिया जलाएंगे, नॉर्मल दिया, कोई भी नॉर्मल घी का ले लें या तिल के तेल का ले लें, या जो भी आप अपने पूजा स्थान पर इस्तेमाल करते हैं वो तेल या घी आप ले सकते हैं। ये दिया आप जला देंगे। ये पूरे दिन में कभी भी आपको करना है ये दिए वाला उपाय, वाले दिन सुबह से लेके आप रात तक ये कभी भी ये दिए वाला उपाय कर सकते हैं, आप रात को भी कर सकते हैं। दिए को आगे जलाना है और जो मंत्र रिलीज होने वाला है उस मंत्र को आप जला देंगे, ठीक है। ऐसे में दो मंत्र रिलीज होने वाले, एक अष्टमी का भी रिलीज होगा, एक नवमी का भी रिलीज होगा, तो दोनों आप मंत्र चलाएंगे। 108 के दोनों मंत्र है, तो पहले आप वो मंत्र चला के रखिएगा अष्टमी वाला, फिर आप नवमी वाला चला के रखिएगा। दोनों मंत्र आप चला लेंगे और दिए के आगे आप अपनी इच्छा बोल देंगे, और भगवान से माफ़ी भी मांगनी है, माता जी को याद करें और ये बोले कि भगवान जाने अनजाने में मुझसे या मेरे परिवार वालों से जो भी भूल चूक हुई है, जो भी गलतियाँ हुई है, उसके लिए हमेशा क्षमा करना, और ये हमारी जो इच्छा है वो मैं आपके आगे सरेंडर करता हूँ या करती हूँ, इस इच्छा को आप पूरी करेंगे, मैं पूरी तरह से अब आपके आगे सरेंडर करता हूँ या करती हूँ, इस तरीके से आपको ये बोल देना है और उस दिए को वहाँ पे जलते रहने देना है। बाद में आपको क्या करना है, जब ये दिया बुझ के हो जाएगा तो वो चावल आपके जो रेगुलर चावल है ना उसमें आप वो मिक्स कर देंगे खाने वाले चावल में, ठीक है, और जो इलायची है लौंग है वो भी आप मिक्स कर देंगे। बाद में ये आपके खाने में पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट उपाय। नेक्स्ट उपाय में आपको क्या करना है, कल जो भोग लगेगा वो लगेगा तिल का और नारियल का। तो आप नारियल की जगह पे आप नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। जो NRIs है उनको दिक्कत होगी, हो सकता है कि उनको श्रीफल नहीं मिल पाए, नारियल जो ब्राउन कलर का होता है ना वो आपको चढ़ाना है। बाद में आप वो प्रसाद की तरह घर में खा सकते हैं या नॉर्मल उसकी चटनी बना लीजिएगा। अगर आप साउथ इंडियन डिश खाते तो उसकी चटनी बना के भी आप खा सकते हैं। मतलब ओवरऑल वो आपको ही इस्तेमाल करना है, भोग लगा के वो कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप पूरा श्रीफल चढ़ा रहे हैं तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप बुरादा चढ़ा रहे हैं तो ऐसे में आप मिठाई में या किसी ना किसी खाने में आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो आपको नारियल चढ़ाना है और आपको तिल चढ़ाने हैं कल। कल जो आप दान करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दान कीजिएगा, कुछ भी जो भी आपके दिल से इच्छा है ना, मतलब आपको कंजकियों का तो करना है, लेकिन जो कंजकियों का नहीं भी कर पाए, लेकिन अपने हाथ से कल आप खाना ज़रूर किसी ना किसी को दान दीजिएगा या खिलाइएगा, ये आप ज़रूर से कीजिएगा। चाहे आपके आस पड़ोस में हो, चाहे आपके पहचान में कोई हो, चाहे कोई गरीब हो, और कल खास तौर पे पशु पक्षियों को तो ज़रूर से आप खिलाइएगा, चाहे वो गाय हो, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे फिर वो पक्षी हो गए, कोई भी, जितना हो सके आप कल अपने हाथ से पशु पक्षियों को और जिनको भी आप खिला सके आप उनको खिलाइएगा। आप अपने हाथ से कल ये सेवा ज़रूर कीजिएगा, इसका पुण्य देखिए बहुत अच्छे से मिलता है। ये आप ज़रूर दिल से कीजिएगा, विश्वास के साथ कीजिएगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी ना सोचे कि आपको क्या खिलाना है या ये रंग का खिलाना है वो खिलाना, नहीं, जो आपको दिल से इच्छा है ना आप वो मन से विश्वास के साथ आप वो चीज़ें खिलाइएगा।
अच्छा, कल हो सके तो ये एडिशनल मैं चीज़ आपको बता रही हूँ, अगर आप ये कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। और मैं जो भी उपाय बता रही हूँ इसमें से जितना आप कर सके वो ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर उपाय आप कर पाएँ, लेकिन ये वाला जो मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही शुभ फल देगा। देखिए आपको क्या करना है, कल पंचामृत आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। आप मंदिर में जाके भी चढ़ा सकते हैं या अपने घर में भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है कोई बात नहीं, आप पंचामृत आपके भगवान के जो स्थान है वहाँ पे आप घर पे रख लीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप आप 2 मिनट तक कर लीजिए। इससे क्या होगा, वो जो पंचामृत है वो पूरी तरह से अमृत बन जाएगा और उसका एक एक्टिवेशन हो जाएगा, उसमें एक अलग ही एनर्जी आ जाएगी। और उसके बाद वो पंचामृत आप घर के सभी मेंबर्स को दे दीजिए। पंचामृत तो आप जानते ही कैसे बनाना है, आपको दूध लेना है, दही, चीनी, शहद, घी, ठीक है, ये चीज़ों से आपको मिला के पंचामृत बनाना है। जो भी आज मैंने आपको उपाय बताए एक बार एक करके तो देखिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा दिल से खुशी होगी। देखिए वाकई में इससे आपके काम होने लग जाएंगे। आपने बहुत अच्छा मेरा साथ दिया, बस आगे भी इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा और मेरा साथ देते रहिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ऐसे में मुझे भी इंस्पिरेशन आता है कि हाँ मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बताऊँ। और फिर से मैं ये आपसे निवेदन करती हूँ, हालांकि मैं हर वीडियो में ये काफ़ी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ कि देखिए कंसल्टेंसी इज़ द लास्ट ऑप्शन। मैं सारे रेमेडीज सारे उपाय मैं आप लोगों को वीडियो में बता देती हूँ, और मानिएगा दिल से मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि जो भी मैं आपको उपाय बताती हूँ ना, यही उपाय करने से आपके काम होने लग जाएंगे। सिर्फ आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है और थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, आपके काम होने लग जाएंगे। नंबर भी मैं आपको क्यों देती हूँ कि बाय चांस किसी को बहुत ज़्यादा ही इमरजेंसी, बहुत ज़्यादा ही तकलीफ है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि वो कंसल्टेंसी के जो नंबर हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन वाकई में अगर ज़रूरत नहीं है तो मत कीजिए, क्योंकि इसी से आपके काम हो जाएंगे। क्यों आप बिना वजह आपको पैसे बर्बाद करने, ऑलरेडी मुझे पता है कि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने दर दर की ठोकरें खाई होगी, काफ़ी सारे पैसे खर्च कर दिए होंगे, उनके काम नहीं बन रहे होंगे, क्योंकि इस दौर से मैं भी गुजर चुकी हूँ। स्टार्टिंग में जब मैं इस फील्ड में नहीं थी तो मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ, और मैंने ये वाटर थेरेपी में अपना एक्सपीरियंस आपको बताया है। मुझे पता है कि उस वक्त वो सिचुएशन कैसी होती है, उस वक्त वो हालात कैसे होते हैं। ऐसा लगता है कि ऑलरेडी इतने तकलीफ में है और उस पर भी पैसे के और नुकसान होता चला जा रहा है, तो वो और एक टेंशन बढ़ता चला जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तो ही आप कंसल्टेंसी लीजिएगा, नहीं तो लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे यूट्यूब में आपको सारे जो उपाय बता रही हूँ वो दिल से बता रही हूँ, और कुछ भी अपने पास ऐसे छुपा के नहीं रख रही हूँ। आप इसी को फॉलो कीजिए और विश्वास के साथ कीजिएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे देखिए आपके काम होते चले जा रहे हैं। आप बाकी लोगों के भी कमेंट्स पढ़ रहे हैं ना कि किस तरह से उनके देखिए काम होते चले जा रहे हैं। और वाकई में अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा ना तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर से कर लें, वो पूरी तरह से फ्री ऑफ चार्ज है। उसके पास में एक बेल बटन है, उसको भी अगर आप प्रेस करेंगे तो इससे जब भी मैं आपके सामने लाइव आऊँगी या कोई भी मेरी वीडियो रिलीज़ होगी ना तो इमीजिएटली आपको पता लग जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। और हाँ, जाने से पहले आपको खेतरी के दर्शन तो करा लूँ। जो ये देखिए ये है खेतरी हमारी, है ना, जिसको हमने साथ में बोया था, कितनी देखिए सुंदर और कितनी अच्छी हो गई। और मैंने आपको बताया था ना लास्ट में आपको क्या करना है, इसको आप गाय को जाके खिला दीजिएगा। अगर आप इसको गाय को नहीं खिला सकते तो मैंने क्या बताया था आपको कि किसी भी पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं इसको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार, जय माता दी।